बढ़ते हैं आगे। गालीबाज गुंडा श्रीकांत त्यागी उत्तर प्रदेश से भागता फिर रहा था, लेकिन पुलिस की से बचने की उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई और चार दिन बाद आज श्रीकांत को मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, गिरफ्तारी यहां पर की गई है। कभी बीएसपी के नेता रहे स्वामी प्रसाद मौर्य का बेहद करीबी श्रीकांत त्यागी था, और जब स्वामी बीजेपी में आए तो उनके साथ वो भी बीजेपी में आ गया। और ये खुलासा किया श्रीकांत के ताऊ रमेश त्यागी ने। ये बात पहले भी पब्लिक डोमेन में थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बेहद करीबी श्रीकांत त्यागी, और बसपा में उसको करीबी बढ़ी थी जब स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में थे। जैसे ही बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद शामिल हुआ श्रीकांत भी। टाइम्स नाउ भारत के अंडरकवर रिपोर्टर ने श्रीकांत त्यागी के ताऊ रमेश त्यागी को ढूंढ निकाला, और श्रीकांत के ताऊ ने खुलासा किया कि फरार होने के बाद श्रीकांत त्यागी ने उत्तराखंड के सीएम से मदद मांगी थी, लेकिन उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने मदद से इनकार कर दिया। दिखाते हैं आपको ऑपरेशन श्रीकांत त्यागी एक्सक्लूसिव। कानून के हाथ लंबे होते हैं और उनसे ज्यादा दिन तक बचा नहीं जा सकता, भले ही कोई कितना भी रसूखदार क्यों ना हो। नोएडा के गालीबाज गुंडे श्रीकांत त्यागी ने उत्तर प्रदेश पुलिस को चकमा देने की भरपूर कोशिश की, लेकिन ज्यादा दिनों तक पुलिस से आंख मिचौली नहीं खेल पाया और मेरठ से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस से बचने के लिए श्रीकांत त्यागी ने किस तरह की शातिर चालें चली आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको श्रीकांत त्यागी से जुड़ा बेहद चौंकाने वाला खुलासा बताते हैं। टाइम्स नाउ भारत ने श्रीकांत त्यागी के ताऊ रमेश त्यागी को ढूंढ निकाला। श्रीकांत के ताऊ रमेश त्यागी गाजियाबाद के सिहानी गांव में रहते हैं, और टाइम्स नाउ भारत के अंडरकवर रिपोर्टर से रमेश त्यागी ने खुलकर श्रीकांत के बारे में कई बातें की। ये मतलब शुरू से बीजेपी में थे या पहले किसी और पार्टी में थे? क्या श्रीकांत जी सारी पार्टियों में थे? नहीं नहीं, मतलब जैसे अगर अच्छा स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ में थे, वो भी चला गया। अच्छा, उनके कारण ये बीजेपी में आए थे? चला गया, करी रहे, लेकिन वो तो इनकार कर रहे हैं सर, बीजेपी वाले सर। ये लड़ाई है, ये है। अच्छा, ये था किसी ने हुआ। अच्छा अच्छा, रमेश शर्मा को डर था श्रीकांत जी से? अपनी जगह पार्टी में कोई पोजीशन पे थोड़ी थे, मतलब कोई पद पे थे, वो तो साथ में थे ना, बस पद में थे ही। सब सही अजय की बात, सब सरकार की थी, दिखाई देना चाहिए। रमेश त्यागी के मुताबिक श्रीकांत त्यागी कभी बीएसपी के नेता रहे स्वामी प्रसाद मौर्य का बेहद करीबी था। 2016 में जब स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में शामिल हुए तो उनके साथ श्रीकांत भी बीजेपी में आ गया। जब मौर्य ने बीजेपी छोड़ी तो श्रीकांत त्यागी उनके साथ नहीं गया, क्योंकि 5 साल के अंदर उसने सत्ता का जो सुख भोगा था उसका वो आदि हो चुका था। बीजेपी के शासन काल में श्रीकांत त्यागी और उसका परिवार किस तरह ताकत का इस्तेमाल कर रहा था, यह भी श्रीकांत के ताऊ की जुबानी सुनिए। शासन प्रशासन में इनका पकड़ था अच्छा, जान पहचान थी अच्छी। अच्छा, लखनऊ ही रहते थे? टोल भी नहीं लगता था? टोल टैक्स भी नहीं, पावर तो था इनके साथ। और पुलिस भी सुनती थी ना इनकी? पुलिस तो सबसे सुनती थी। ये
हम तो कुदरती रही पैदा है, ये तो बेमतलब भगा दे रहे हैं वहाँ बिल्कुल। तो हमारी जमीन नहीं है दूसरे वाले ने, मैंने कि आज ये पैसे नहीं दे रहे, वो तारीख देते हैं आ जाओ और मुआवजे की बात कर लो, ये उम्मीद है ऐसी हमारे पास चले जाओ। तो भी बुलाया मैंने, वो भी राज मावे मैंने भी की डीएम ऑफिस का, डीएम ने ऑफिस हाँ लोग घर पे ही ऑफिस है। अच्छा डीएम के घर पे गए थे? हाँ अरे वाह, यहाँ तो यूँ बैठा हूँ, यहाँ डीएम का जहाँ रह गया यहाँ, उसमें भी एक जगह ऐसी होती है बैठने के लिए, करेक्ट साथ में भी मीटिंग करने की, सही बात, वहाँ गए थे आप लोग? हाँ, तो उसका कई गई जो मानसून समाज कौना कर बनता हुआ है बताया था, उन्होंने बताया गया बताया, उन्होंने लिख दी दी दिए दी दिए एतवार खड़ी होती तहसीलदार हमारा अगर जितने भी कुमार जल्दी पूरी काम हो जाए उसमें सारे करके पटवारियों का रिपोर्ट लगवा कर तीसरे दिन मुझे बुला लिया। श्रीकांत त्यागी को लेकर उसके ताऊ रमेश त्यागी ने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर के सामने एक और हैरान करने वाला खुलासा किया। रमेश त्यागी के मुताबिक श्रीकांत ने फरार होने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से भी मदद मांगी थी। तो अभी ठीक है, मतलब उनके उनके साथ भी संबंध इनके ठीक थे? कौन? उसी के पास तो गया था ये। अच्छा हाँ, सारे के सारे उन्हीं के पास गए थे रहने के लिए? रहने के लिए उसके कहने के लिए अच्छा, किसी देखो जी मैं अमित शाह या योगी जी हुए, मैं इनके जैसा ये कह रहे हैं मुझे, मैं इनके खिलाफ चलाया, फिर उन्होंने आए थे यहाँ देर। हाँ, रमेश त्यागी के मुताबिक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रीकांत की मदद से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसे बचने के लिए दर दर भटकना पड़ा और आखिरकार वो पकड़ा गया। टाइम्स नाउ नव भारत को सूत्रों से पता चला है कि श्रीकांत त्यागी मेरठ के श्रद्धापुरी कॉलोनी में अपने करीबी के घर पर रुका हुआ था, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया। जिस घर से वो गिरफ्तार हुआ था वहां वो सुबह सुबह ही पहुंचा था। सूत्रों के मुताबिक फरार होने के बाद श्रीकांत देहरादून से हरिद्वार और हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए सोमवार रात को सहारनपुर पहुंचा था। मंगलवार सुबह ही वो सहारनपुर से मेरठ आया था। वो अपने आप को पुलिस से बचाने के लिए भागने लगे। उसकी गिरफ्तारी के लिए पहले 8 टीम बनाई गई, जिसमें हमारे